नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सरफ मित्र और आज हमें कॉल आई है कि इनों के ईंटों के ईंट जो होती है मकान चिन्हने वाली ईंट, उनों के अंदर एक सांप है जो कि आपको दिखा सकते हैं और अभी देखते हैं निकलता है और वो भी इसके अंदर है। ये नहीं पता चल पाई है, घर वाले बोल रहे थे कि सांप है, ये नहीं पता चल पाई है कौन सा सांप है। अब चलते हैं, वीडियो में भी बने रहिए और देखते हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, ईंटों को हटाया जा रहा है क्योंकि आपको रेस्क्यू करने की वजह से हटाया जा रहा है। फैमिली है, गाय भी हैं, भैंस वगैरह सब चीज़ है, तो परेशानी हो सकती है। घर पर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी समस्या हो सकती है, तो समस्या को देख कर करते हैं। आ काफ़ी मेहनत के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में अब वो निकला है और दिखाते हैं कौन सा सांप है। अभी दिखा है, बस थोड़ा ही दिखा है और अभी दिखाते हैं। दोस्तों ये है इंडियन कोबरा है, ये इंडियन स्पिकल्टिक कोबरा का बच्चा है ये, और देख सकते हैं काफी बच्चा ही है। देख सकते हैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन के अंदर जो अपनी जहर कॉन्टिनेंट जो करते हैं, ये जहर किसी भी इंसान के अंदर इंजेक्ट करते हैं, किसी जानवर के अंदर इंजेक्ट जो करते हैं, इनको ये नहीं पता होता है कितनी क्वांटिटी में इंजेक्ट करना है जहर। और ये काफ़ी जहरीले होते हैं, देख सकते हैं। और इसी के साथ अब इसको पैक करते हैं, वीडियो में भी बने रहिए, इसको छोड़ने की वीडियो भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं वो किस तरह से दुबक रहा है, बार बार भाग रहा है। और इसी के साथ अब दोबारा से तीन चार और या में ये के साथ में इसको पैक करते हैं। देख सकते हैं काफी ऊपर तक उछंट मार रहा है। और इसी के साथ अब इसको डब्बा लेकर है, डब्बा अंदर काफी जहर होता है। और देख सकते हैं इसका छोटा सा हुड और फन भी है जिसको ये अभी तो करेगा नहीं, लेकिन भैया स्टिक दे दियो, हमारी स्टिक दे दी भैया, स्टिक दे खड़ी कहां यार। देख सकते हैं ये जो बोलते हैं इसका हुड, अभी ये बच्चा ही है, हुड देख सकते हैं। अगर इसको अभी दाबेंगे तो ये अपने हुड को फैला लेगा। ये देख सकते हैं किस तरह से अपने हुड को फैला रहा है, ये अभी थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। और देख सकते हैं ये काफी तेज चलेगा। डब्बा लिया भैया, देख सकते हैं किस तरह से अपने हुड को उठा रहा है। डब्बा देख सकते हैं किस तरह अपने हुड को फैला रहा है, लेकिन ये अभी भयभीत तो डर चुका है क्योंकि इसने अपना मल मूत्र निकाला है अभी। और इसी के साथ अब इसको डिब्बे में डालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप वो किस तरह से बोतल के अंदर है, तो किस तरह से वो अपने हुड को ऊपर करे हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप। अभी मैं इसमें थोड़ा करूंगा तो किस तरह से क्या, और इसके लिए मैं अब ऑक्सीजन के लिए इसमें छेद करता हूं। दोस्तों अब इसी के साथ इस डिब्बे में थोड़े इसके लिए ऑक्सीजन के लिए हॉल पास करता हूँ मैं।
दोस्तों जब अगर ये बच्चा है यहाँ पर तो इसके माँ या बाप भी होगा, जिससे बोलते हैं ये पूरी फैमिली के साथ होगा। फिलहाल ये अभी अगली कॉल आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आगे चल के डिब्बे को चेंज किया जाएगा, जैसे कि आपको निकलता हुआ भी दिखे। और इसी के साथ अब चलते हैं और इसको रिलीज करते हैं। वीडियो भी आप देखिए, वीडियो में भी बने रहिए। चलो दोस्तों अब जंगल में आ चुके हैं और इसको रिलीज करते हैं। ये अभी मॉनिटर लिजार्ड, जिसको बिस्कोपड़ा बिस्कपड़िया इसी को बोला जाता है। इसकी डिटेल मैं भी आपको एक मिनट में दूंगा और बताऊंगा आज इसकी कैसे जान बचाइए। देख सकते हैं इंडियन स्पिकल्टिक कोबरा का ये बच्चा है, देख सकते हैं आप। और इसको अब जाने देते हैं, ये गया। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बात बताता हूँ, जिसकी वजह से मैं रेस्क्यू करता हूँ। आज मेरा रेस्क्यू करने का काम सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि आज कुछ लोग इसको मार रहे थे। तो हम उसको रिलीज करने आए थे जंगल में, तो कुछ लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो पर मैं वहाँ पर से निकल के जा रहा था, तो उन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिससे मैं कॉल करी जाए। तो उसी के बाद में फिर ये मुझे वहाँ पर लोग मार रहे थे, तो मैं गया, मैं इसे बचा के लेकर आया। आज मेरा रेस्क्यू करने का काम सक्सेसफुल हुआ, इसके बेचारे की जान बचाई। हाँ, अब वो जो होती है इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली वगैरह जो होती है वो इसी कारण होती है। देख सकते हैं ये इसकी जो लार होती है, ये देख सकते हैं आप, झाग हैं काफ़ी। देख सकते हैं ये जो है, ये जब ये काटती है तो इसके जो लार के जो बैक्टीरिया होता है वो इंसान की बॉडी के अंदर जाता है, जिससे खुजली, एलर्जी, इन्फेक्शन, गला इसी कारण होता है। जहरीली होती नहीं है, इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है, 1% भी जहर नहीं होता है। और अब इसी के साथ अब इसको रिलीज करते हैं और इसको अब जाने देते हैं। देख ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, बहुत अच्छे। अब इसी के साथ ये छोड़ते किस तरह से जाती है देखते हैं। Right.